अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट सॉल्व करेंगे नाउन, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स की। व्हाट इज नाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब, ये हमने पहले भी पढ़ा है। आज हमें ये जो वर्ड बॉक्स दिया गया है उसमें से हम हाईलाइट करेंगे कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा वर्ब है। जैसा कि आपको पहले ही पता है, नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड आइडिया। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब हम आते हैं अपने वर्ड बॉक्स पे। ओके, आस्क, आस्क का मतलब पूछना। आस्क, आई आस्क समथिंग फ्रॉम यू। आस्क पूछना एक एक्शन है, वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्राउन, ब्राउन बैग, ब्राउन बॉक्स, ब्राउन पेंसिल, ब्राउन मार्कर। ब्राउन एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये खासियत बताता है, इट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट इज ब्रदर, ब्रदर इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, ब्रदर। उसके बाद हमारा वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड ऑलरेडी नाउन की कैटेगरी में है, तो ब्रदर इज ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ नाउन। नेक्स्ट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जमा है, इट्स अ प्लूरल ऑफ चाइल्ड, इट इज ऑल्सो अ नाउन। एंड नेक्स्ट वर्ड इज फनी, वाओ ही इज अ फनी बॉय, ही टोल्ड मी अ फनी स्टोरी, एडजेक्टिव है, फनी इज एन एडजेक्टिव। उसके बाद है प्रीटी, जो कि ऑलरेडी एडजेक्टिव की कैटेगरी में है। द नेक्स्ट वर्ड इज पर्पल, पर्पल भी एक कलर है जो कि एडजेक्टिव है, जैसे कि सारे कलर्स एडजेक्टिव हैं। उसके बाद हमारा वर्ड है रीड, पढ़ना, पढ़ना इज एन एक्शन जो कि एक वर्ब है। उसके बाद है सेड, सेड है सेकेंड फॉर्म ऑफ से, कहना, कहना का मतलब एक एक्शन है, सेड इज अ वर्ब। सेकेंड इज स्कूल, स्कूल इज अ नेम ऑफ अ प्लेस, दैट इज अ नाउन। उसके बाद है स्टार्ट, शॉर्ट, सॉरी शॉर्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, ही इज अ शॉर्ट बॉय, दिस इज अ शॉर्ट कप। ओके, नेक्स्ट इज सिस्टर, sister is a name of a person, it's a noun. Last is white, which is also the adjective because it's a color. Thank you, this is for students of grade 2-3. Thank you.